Hello guys, today we are going to go out in the open का मतलब है जैसे कि थोड़ा बहुत कैंपिंग लोकेशन पे जा रहे हैं एंड वहाँ पे we'll try to cook something. Let's see what we can cook and वो cook हम करेंगे ये वाली चीज़ पे. ये एक पोर्टेबल स्टव है, वो एकदम गैस की तरह चलता है. वो कैसे चलता है मैं आपको दिखाता हूँ. ये अभी नया नया ख़रीदा है, ये कैंपिंग के लिए बहुत काम आने वाला है. अभी कैंपिंग सीजन भी आ गया है, सारा का सारा ओपन हो चुका है. तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. आज इसका ट्रायल ले रहा हूँ. आई नॉट गोइंग कैंपिंग बट इसका ट्रायल लेने के लिए बस एक चेक कर रहे तो ज़रा फीलिंग भी आना चाहिए. तो आई कीप यू पोस्टेड. तो यू कैन सी के ये कार में बहुत अच्छे से फिट हो गया है. नाउ ये मत सोचिए कि कार बड़ी है, इको है तो इसका स्पेस ज़्यादा है. बट यू कैन सी द मोस्ट ऑफ द स्पेस इज टेकन बाय द CNG सिलेंडर एंड कोई भी हैचबैक में ये आराम से फिट हो जाएगा. सो इट्स नाइस एंड कॉम्पैक्ट. इसका हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं है. एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी. बहुत मजबूत है ये. आप देख सकते हैं कैम्फर हमने डाला. वो डालने के कुछ 30 सेकेंड के अंदर अंदर ही 30 सेकेंड्स के अंदर कोयला पूरी तरह से जल गया. ये देखिए रेड हो चुका है. ये स्पीड किस तरह से बढ़ रहा है इसका. एंड सिंस कोयला जो होता है वो प्रेशराइज होता है तो आप ध्यान देना है शुरुआत में. थोड़ा सा ये जो स्पार्क्स हो रहे हैं उसका आपको ध्यान देना है. और ये जलाने के लिए हमने एक्चुअली पत्ते डाले थे, वो नहीं डालना चाहिए था. आता ओके सिंगल वर आता चालू ठेवलं सर. सो आई शो यू हाउ इट वर्क्स. प्रेशर कंट्रोल कैसे होता है या स्पीड कंट्रोल कैसे होता है. सो अभी ये न्यूट्रल पे, न्यूट्रल एज इन हमने गैस बंद रखा है. जो फैन है जो स्पीड कंट्रोल है वो बंद रखता है. सो नाउ आई टेक इट टू 1. ये आप आवाज़ सुन सकते हो. सो लेट्स टेक इट टू द सेकेंड. तो ये फर्स्ट पे ही है अभी तक. आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्पीड आ रहा है यहाँ पे. तो इस आँच पे भले आप कोयले पे पका रहे हो लेकिन इस आँच पे अगर आप जलाओगे और खाना पकाओगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. और सो नाउ अभी नेक्स्ट पे हम मीडियम पे लेके जा रहे हैं इसको. देख सकते हैं कि मीडियम पे लेके गया तो और स्पीड बढ़ गया इसका. आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा उसको. सिंस कोल टेक्स अ लिटिल टाइम तो इसीलिए स्पीड हमें मिक्सर की तरह या घर का जो गैस है उसकी तरह क्विकली हमें रेगुलेटर घुमाना नहीं है, धीरे धीरे करना है. पहले स्पीड पे हमें उसको जलने देना है तकरीबन 1 मिनट. फिर उसके बाद मीडियम पे लेना है, वहाँ पे 1 मिनट रख दीजिए एंड देन यू स्विच इट ऑन टू. आप रेगुलेटर घुमाइए टॉप स्पीड पे या थर्ड पे. या सो अभी हम थर्ड पे घुमा रहे. आई कैन सी दैट ये थर्ड पे कर दिया और कितनी अच्छी तरीके से जल जाएगा. इस पे खाना बहुत अच्छे से पक जाएगा और ये इतना बड़ा है कि इस पे आप कुछ भी पका सकते हो. बोलते हैं ना कि 1 kg 2 kg ऑफ बिरयानी भी इस पे पक जाएगी एंड विद इन नो टाइम. कितनी बस 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 ले जा ले जा. तो गाइस जो हमारा पहला ट्रायल है तो पहले ट्रायल के लिए वी आर गोना कुक जो अपना इंडिया का स्टेपल फूड है
तो बोलते हैं ना कैंपिंग का सबसे स्टेपल फूड मैगी। तो लेट्स सी कितना टाइम लेता है। हाँ मैगी पे लिखा हुआ रहता है 2 मिनट, बट आई डोंट थिंक के दुनिया में ऐसा कोई भी होगा जिसने वाकई में 2 मिनट में मैगी पकाया हो। तो देखते हैं अपने स्टफ पे कितना टाइम लेता है। चांगलं गरम झालं आता पाणी उकळ। कोळसा हलवला की लगेच होतो, मग मागचा पुढचा कोळसा राहतो ना। पण त्याची टेस्ट चांगली आहे का गॅसवरचे आपण खातो ना शेवटी तुम्हाला चुल्यावरची टेस्ट। सो गाइस इट्स डन, ये मैगी पूरी तरह से आपकी बन चुकी है। सो गाइज द मैगी इज रेडी एंड ट्रस्ट मी उतना ही टाइम लगा है जितना मैगी के लिए लगना चाहिए घर पे हम जब पकाते हैं। जब बाहर हम वाइल्ड में होते हैं तो लकड़ा जमा करो ये सब करो, तो यहाँ पे कुछ कैरी नहीं करने का जरूरत है, कुछ जमा करने की जरूरत नहीं। यू जस्ट कैरी दिस, कोल लो एंड कैम्फर लो जलाने के लिए। कैम्फर ना हो तो आप कोई और चीज भी यूज कर सकते हो ताकि फटाक से इग्निशन हो जाए एंड इट टेस्ट मच बेटर देन द वन दैट वी कुक एट होम, क्योंकि चूल्हे पे बनाए है, कोयले पे बनाए, सो इट टेस्ट यम। दिस इज अ नेचुरल टेस्ट। सो ये जो अपना कोल का स्टफ था, कोल का शेगड़ी, इट वर्क रियली फाइन। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दैट दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर वन पर्सन कैंपिंग। अगर आप कार से जा रहे हो, चार पांच लोग हो, तो ट्रस्ट मी 20 मिनट के अंदर अंदर आपका पांच लोगों का अच्छा खासा खाना इस पे बन जाएगा एंड इट विल ओनली रिक्वायर 300 ग्राम्स ऑफ कोल, पाव किलो, वो बोलते हैं ना 250 ग्राम कोयला आप ले लो, डाल दो और काम हो जाएगा आपका।